Kena prana prathamaha praiti yuktaha. Kena prana prathamaha praiti yuktaha. Kena shritam vachamimam vadanti. Chakshuhu srotram ka udevo yunakti. Chakshuhu srotram ka udevo yunakti. Srotrasya srotram manaso manoyat. Srotrasya srotram manaso manoyat. Vachoha vacham sa pranasya pranah. Chakshushas chakshuhu atimuchya dhira. Pretyasman lokadamrta bhavanti. Na tatra chakshur gacchati na vagacchati. No mano na vidmaha. Na vijanimaha. Yathaitadanu shishyat. Anya deva tad vidita datho. Anya deva tad vidita datho. Avidita dadhi. Avidita dadhi. Iti susruma purvesham. Ye nastad vyacha chakshire. Na tatra chakshur gacchati na vagacchati. No mano na vidmaha. Na vijanimaha. Yathaitadanu shishyat. Anya deva tad vidita datho. Anya deva tad vidita datho. Avidita dadhi. Iti purva iti susruma purvesham. Iti susruma purvesham. Ye nastad vyacha chakshire. Ye nastad vyacha chakshire. Ye nastad vyacha chakshire. यस्मा पढ़ चुके हैं मैं भरता यस्मा श्रोत्रादिरपि श्रोत्रादि आत्मभूतं ब्रह्म अतः न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुर्गच्छति स्वात्मनि गमन असंभवात् तथा न वाग्गच्छति वाचा ही शब्द उच्चार्यमाणः अभिधेयं प्रकाशयति यदा तदा अभिधेयं प्रति वाग्गच्छति
इति उच्यते। तस्य च शब्दस्य तन्निर्वर्तकस्य च करणस्य आत्मा ब्रह्म अतः न वागच्छति। यथा अग्निर्दाहकः प्रकाशकश्चापि सन्न नहि आत्मानं प्रकाशयति दहति च तद्वत् नो मनः मनश्च अन्यस्य संकल्पयितृ अध्यवसाययितृ च सदात्मानं न संकल्पयति अध्यवस्यति च तस्यापि ब्रह्म आत्मा इति। इन्द्रियमनोभ्यां हि वस्तुनो विज्ञानं तद् अगोचरत्वात् न विद्मः तद्ब्रह्म ईदृशम् इति अतः न विजानीमः यथा येन प्रकारेण एतद् ब्रह्म अनुशिष्यात् उपदिश्येत् शिष्याय इति अभिप्रायः। यदि हि करणगोचरं तद् अन्यस्मै उपदेष्टुं शक्यं जाति गुण क्रिया विशेषणैः न तज्जात्यादि विशेषणवद् ब्रह्म। तस्मात् विषमं शिष्य अनुपदेशेन प्रत्याययितुम् इति। उपदेशे तदर्थग्रहणे च यत्न अतिशय कर्तव्यतां दर्शयति न विद्म इत्यादि। अत्यन्तम् एव उपदेशप्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ते तद् अपवादः अयम् उच्यते। सत्यम् एवं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः न परः प्रत्याययितुं शक्यः। आगमेन तु शक्यते एव प्रत्याययितुं तद् उपदेशार्थम् आगमम् आह। अन्यत् एव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति। अन्यत् एव पृथक् एव तद् यत् प्रकृतं श्रोत्रादीनां श्रोत्रादि इति उक्तं विषयं च तेषां तद्विदितात् अन्यत् एव हि विदितं नाम यद्विधिक्रियया अतिशयेन आप्तं तद्विधिक्रियाकर्मभूतं क्वचित् किञ्चित् कस्यचित् विदितं स्यात् इति। सर्वम् एव व्याकृतं तद्विदितमेव तत् तस्मात् अन्यत् इत्यर्थः। अविदितम् अज्ञातं तर्हि इति प्राप्ते आह। अथो अविदितात् विदितविपरीतात् अव्याकृतात् अविद्यालक्षणात् व्याकृतबीजात् अधीति उपरि अर्थे लक्षणया अन्यत् इत्यर्थः। यद्हि यस्मात् अधि उपरि भवति तत् तस्मात् अन्यत् इति प्रसिद्धम्। यद् विदितं तद् अल्पं मर्त्यं दुःखात्मकं च इति हेयम्। तस्मात् विदितात् अन्यत् ब्रह्म इति उक्ते तु अहेयत्वम् उक्तं स्यात्। तथा अविदितात् अधि
इति उक्ते अनुपादेयत्वम् उक्तम् स्यात्। कार्यार्थम् हि कारणम् अन्यत् अन्येन उपादीयते, अतश्च न वेदितुः अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यत् उपादेयं भवति इति एवम् विदितात् अविदिताभ्याम् अन्यत् इति हेयोपादेय प्रतिषेधेन स्वात्मनः अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्यस्य निवर्तिता स्यात्। नहि अन्यस्य स्वात्मनः विदिता विदिताभ्याम् अन्यत्वं वस्तुनः संभवति इति आत्मा ब्रह्म इति एष वाक्यार्थः। अयम् आत्मा ब्रह्म य आत्मा अपहत पाप्मा यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वांतरः इत्यादि श्रुत्यंतरेभ्यश्च इति एवम् सर्वात्मनः सर्वविशेषरहितस्य चिन्मात्र ज्योतिषः ब्रह्मत्व प्रतिपादकस्य वाक्यस्य आचार्योपदेश परंपरया प्राप्तत्वम् आह इति सुश्रुम इत्यादि। ब्रह्म च एवम् आचार्योपदेश परंपरया एव अधिगंतव्यम् न तर्कतः प्रवचन मेधा बहुश्रुत तपोयज्ञादिभ्यश्च इति एवम् सुश्रुम। श्रुतवन्तो वयं पूर्वेषाम् आचार्याणां वचनम्। ये आचार्याः नः अस्मभ्यं तद्ब्रह्म व्याचचक्षिरे व्याख्यातवन्तः विस्पष्टं कथितवन्तः तेषाम् इत्यर्थः। तृतीय मंत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। श्रुति माता दूसरे मंत्र में पृष्ठ वस्तु का उपदेश कर चुकी, तो अब तृतीय मंत्र में श्रुति का जो अभिप्राय दिखाई देता है वो ऐसा है कि इस लक्षित वस्तु में जो तुमसे पूछी गई है, जिसके बारे में तुमने प्रश्न किया है, उस लक्षित वस्तु के बारे में प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण हैं वो असमर्थ हैं। तृतीय मंत्र में साधन की चर्चा है, प्रमाण की चर्चा है। श्रुति क्या बोलती हैं, न तत्र चक्षुर्गच्छति, यानी यहाँ पर कोई चक्षु का गमन नहीं होता। क्या अभिप्राय है, चक्षु शब्द से क्या कहना चाहते हैं, प्रत्यक्ष का प्रवेश नहीं है। ये प्रमाणों का निश्चयकरण क्यों कर रही है श्रुति, क्योंकि फिर ये मन में कभी नहीं आना चाहिए कि हम इस प्रमाण से उसको जाने, देखने की इच्छा हो जाए, छूने की इच्छा हो जाए, अथवा छुए हुए को कभी कोई ब्रह्म कह दे, देखे हुए को कोई ब्रह्म कह दे। ये तो इन प्रमाणों का जो प्रमेय बन जाता है उसको हम ब्रह्म नहीं बोलते, ये श्रुति ने कहा। क्या बोलते हैं वो, न तत्र
चक्षुर्गच्छति। प्रत्यक्ष प्रमाण वहाँ तक पहुँचता नहीं है। दूसरा न वाग गच्छति, ध्यान से पहले मंत्र को देख लो, शब्द प्रमाण की, लौकिक शब्द प्रमाण की वहाँ गति नहीं है। न वाग गच्छति का अभिप्राय क्या है, लौकिक शब्द प्रमाण की वहाँ गति नहीं है। तो जो व्यक्ति जो अनाप्त वाक्य है अथवा लौकिक विषय में जो चर्चा होती है, उन शब्दों से जो तुम्हारी पूछी गई वस्तु है वो लक्षित नहीं होती। न वाग गच्छति। तीसरा प्रमाण है अनुमान। अनुमान के ही गर्भ में अर्थापत्ति, उपमान ये सब प्रमाण आ जाते हैं। अनुमान, अर्थापत्ति, उपमान, अनुपलब्धि, ये सारे प्रमाण मन से चूंकि किए जाते हैं, मन ही उनका मुख्य करण है, इसलिए तो करण का ही नाम ले लिया श्रुति ने। न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाग गच्छति, नो मनः। नो मनः का अभिप्राय है अनुमान प्रमाण का भी वहां पर प्रवेश नहीं है। सो यदि हम अनुमान प्रमाण से कोई निर्णय लेते हैं, निश्चय करते हैं, और उस निश्चय पर श्रुति की पुष्टि नहीं है, श्रुति की मुहर नहीं है, तो ऐसा अनुमान प्रमाण साधक को परमार्थ के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। युक्तितः कोई चीज सिद्ध होती हुई दिखाई भी दे तो भी इस वाक्य को स्मरण रखना है कि वास्तव में मन की तो वहां पर गति है नहीं। सो नो मना, न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाग गच्छति, नो मनः। अब आचार्य ने एक विशिष्ट बात कही, बोले इसलिए न विद्मः, इसलिए मैं वास्तव में उस तत्व को नहीं जानता। ये न विद्मः, और चूंकि मैं जानता नहीं हूं इसलिए न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात्। ये वाक्य है, पूरा वाक्य ऐसा है। न कहाँ से शुरू होगा, न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात्। मैं इस बात को जानता भी नहीं हूँ कि इसको किस प्रकार से इसका उपदेश किया जाए। अनुशिष्यात्, अनुशिष्यात् माने इसका उपदेश कैसे किया जाए, यह बात मैं नहीं जानता। लो, दोनों बात मना कर दी ये आचार्य। थोड़ा तेज रखें अभी। न विद्मः न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात्। अब जो साधन के क्षेत्र में प्राण वाक्य है, प्राण पंक्ति है, वो ये है। केनोपनिषद में आप समझिए प्राण पंक्ति है। दूसरा मंत्र तो तत्व का निर्देश करने के लिए है, लेकिन तीसरा मंत्र है साधन के बारे में, प्रमाण के बारे में। वेद ने, श्रुति ने स्वयं अपने मुख से इस बात की घोषणा की कि इस तत्व के बारे में साधकों को किस प्रमाण का की शरण लेनी चाहिए। बस तो बोलते हैं अन्यत एव विदितात्, अन्यत एव तत् विदितात्।
वह तद मने वह त्वया पृष्टम, जो तुमने पूछा था और जिसका मैंने दूसरे मंत्र में उत्तर दिया था, वह तद विदित से भिन्न है। बस इतना मैं बोल सकता हूँ, अन्यत एव विदितात तत्। वह वस्तु विदित विदित से भिन्न है। अच्छा, तो अविदित हुई, बोलते हैं नहीं, अथो अविदितात अधि, और वह अविदित से भी भिन्न है। ये उपनिषद की ऐसी भाषा है, विश्व के किसी भी साहित्य में, हम लोगों को तो अपने बाप से मिली हुई है ना, तो सुलभ है, तो कई बार उतनी कीमत हमको समझ में आती नहीं, लेकिन जब विश्व के महाबुद्धिमान लोग ऐसे वाक्यों को पढ़ते हैं कि ये क्या एक्सप्रेशन है, ये किस तरह से अभिव्यक्ति आई है, क्या बोलते हैं, एक ऐसी चीज है, मानो गुरु अपने शिष्य को बोलते हैं, शरणागत को बोलते हैं कि देखो ये जो तुम्हारी बुद्धि ने तय कर रखा है कि या तो वस्तु विदित होगी या अविदित होगी, ये पूरा सच नहीं है। बोले महाराज इसके अलावा सच क्या हो सकता है भाई, दो श्रेणी ही बन सकती है, या तो आप किसी चीज को जान सकते हो या नहीं जान सकते। बोले साधारण तो दो ही श्रेणी है, लेकिन एक ऐसी वस्तु है, एक इकलौती, जो इन दोनों श्रेणियों में नहीं आती। ये बहुत बड़ा मंत्र है, आप कभी इसको समझोगे आज समझ लो, चाहे जीवन के किसी मोड़ पर समझ लो, बहुत बड़ा मंत्र है कि कोई एक इकलौती वस्तु है जो विदित से अन्य है और अविदित से भी अन्य है। बोले महाराज ये कैसा बोल रहे हो आप, निराली बात है, अश्रुतम पूर्वम, पहले हमने ऐसा कभी वाक्य सुना नहीं, ऐसा कैसे बोलते हो। बोले मैंने भी कोई खोजा नहीं है, सुना है। इति सुश्रुमा, ये उपनिषद की मिठास है ना, इति सुश्रुमा, ऐसा मैंने सुना है, किससे, पूर्वेशाम, जो हमारे पूर्व के आचार्य लोग हैं उनके मुख से हमने ये वाक्य सुना, और इसी प्रकार से हमारे पूर्व पूर्व आचार्यों ने हमको उस तत्व का उपदेश किया, हमको उस उपदेश की व्याख्या की। बोले महाराज इसमें व्याख्या क्या है, देखा जाए तो ये व्याख्या तो कुछ है ही नहीं, बल्कि व्याख्या की जरूरत है। इसमें कौन सी व्याख्या दिखाई देती है। बोले यही व्याख्या है, अन्यत एव तद विदितात अथो अविदितात अधि इति सुश्रुमा पूर्वेशाम ये नस्तत व्याच चक्षिरे। नह मने हम लोगों को, हम लोगों को जिन लोगों ने, जिन पूर्व आचार्यों ने समझाया था वो इसी रीति से समझाया था। अब यहां एक दो बात समझ लें जरा, तो उपनिषद में ऐसा हमको सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है
कि उपनिषद का आचार्य स्वयं ही बोलता है कि हमने ऐसा सुना था, तो फिर से कहीं न कहीं इसमें इतिहास की एक ध्वनि सुनाई पड़ रही है कि ये आचार्य कभी अज्ञानी थे, मुमुक्षु थे, शिष्य थे, और ये कभी गए होंगे अपने सदगुरु के पास, शरण में गए होंगे, और फिर उनको उनके आचार्य ने सुनाया होगा। उस सुने हुए को स्मरण करके तो आज ये आचार्य अपने शिष्य को बता रहे हैं। तो ये एक पूरे घटना की कुछ भनक मिलती है, ऐसा लगता है कि कोई घटना घटी है, और जो आचार्य यहाँ समझा रहे हैं वो श्रुति नहीं हुई, फिर क्या हुई, स्मृति हो गई, क्योंकि स्मरण बल से आचार्य अपने आचार्य के द्वारा कहे हुए को स्मरण करके अब बोल रहे हैं। तो सीधी ये श्रुति रही नहीं। जब हम लोग इन मंत्रों को, उपनिषदों को गुरु परंपरा से हट करके ऐसे स्वतंत्र रूप से जब पढ़ते हैं ना, तो इस प्रकार की भावना जगती है, और फिर हमारे जो विद्वान लोग हैं, जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, शोध करते हैं, तो अब उनका क्या है, वो ऐसा मानते हैं कि बहुत श्रद्धा करने से चिंतन में कहीं न कहीं बाधा पड़ती है, ऐसी एक मान्यता बन गई। श्रद्धा करने से आप जो हैं जबरदस्ती कुछ न कुछ उसमें सद्गुण देखने का प्रयास करते हो, ये जबरदस्ती होता नहीं है। अब श्रुति ने जब स्वयं कहा है, स्वयं श्रुति शब्द क्यों बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे जब ग्रंथ ने स्वयं ही कहा, ग्रंथ के आचार्य ने स्वयं ही ये बात कही कि मैंने अपने आचार्य से ऐसा सुना है और वही मैं तुमको बता रहा हूं, तो फिर अब इसमें और कोई बात सोचने के लिए अवकाश किधर है। तो ये तो स्मृति ही है, और ग्रंथों का इस तरह से विकास हुआ है। देखना, अभी स्मृति तक पहुंचे थे, अब क्या निर्णय निकला कि इस तरह से ग्रंथों का विकास हुआ। उनके आचार्य ने नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने लिख दिया तो ग्रंथ प्रकट हो गया। तो इस तरह से तो श्रुति में जो इतिहास को देखने वाले लोग हैं, क्योंकि इस तरह का एक रूपक दिखाई देता है, जहां पर संभव है कि किसी को इतिहास की भावना जगे, इस तरह की योजना दिखाई देती है श्रुति में, जहां लगता है कि एक पात्र है, दूसरा पात्र है, दोनों का संवाद हो रहा है, और फिर एक पात्र अपने गुरु को याद कर रहा है, ये तो ये काल में हुई घटना है। अच्छा, तो न केवल विकास हुआ है, भरत थोड़ा इधर जाओ, न केवल विकास हुआ है, देखना अब एक पर एक निर्णय फिर निकलते चले जाएंगे, तो न केवल ग्रंथों का विकास हुआ है, बल्कि कोई भी ग्रंथ फिर अपौरुषेय नहीं है। चलो, पुरुषकृत होने से स्मृति कोटि में आया, और फिर पौरुषेय हो गया, तो सारे ही वेद, चाहे आप उसको दृष्टा ऋषि कहो, चाहे जो मर्जी कहो,
शब्द का चुनाव आप कर लो, लेकिन फिर वो सब का सब पौरुष है। आया निर्णय, इससे क्या नुकसान होगा? पौरुष से अब हमारे परंपरा वालों को क्या आपत्ति होगी? भाई पौरुष से एक बार ये बात आपने तय कर दी कि ये ग्रंथ पौरुषे हैं, तो फिर पुरुष जन्य दोष उसमें जरूर होने होंगे, तो उसमें कर्णापाठ होगा, तो उसमें भ्रम होगा, तो उसमें प्रमाद भी होगा, ये देखो, तो उसमें विप्रलिप्सा भी होगी। अच्छा, अब एक बार ये बात तय हो गई, ये लोग जानते नहीं कि हम क्या प्रतिपादन कर रहे हैं, उनको मजा आता है ये बताने में कि देखो ये श्रुति नहीं रही, क्या हो गया, ये स्मृति बन गई। लेकिन माने मोस्ट ऑफ द टाइम दे फॉरगेट कि वेयर दे आर लीडिंग टुवर्ड्स, वो पहुंच कहाँ रहे हैं। तो पौरुष से हो गया, पौरुष होने से उसमें पुरुष जन्य दोष आए, दोष आए तो वो आप्तवाक्य नहीं रहा। आप्तवाक्य किसको बोलते हैं? जो निर्दोष वाक्य हो, प्रमा का जनक वाक्य हो, ठीक। तो आप्तवाक्य नहीं रहा, तो प्रमाण की ही एक तरह से हानि हो गई, बस छुट्टी। अब जब शब्द प्रमाण की हानि कर दी गई, तो अब प्रमाण क्या बचा हमारे पास? प्रत्यक्ष और अनुमान, मूल तो यही बचा। प्रत्यक्ष और अनुमान जब बचा, तो जितने ग्रंथ हैं वो भी प्रत्यक्ष अनुमान को आधार बना करके उन्हीं से प्राप्त प्रमा का उल्लेख करते हैं। जो लिखा गया है शब्द प्रमाण, जिसको आप बोलते हो, वो शब्द प्रमाण भी क्या है? प्रत्यक्ष से प्राप्त प्रमा का लेखन है, अथवा प्रत्यक्ष से प्राप्त प्रमा का कथन है। जैसे मैं कहूं कि ये नीला रंग है, तो शब्द है नीला रंग है, आप कह सकते हो ये शब्द प्रमाण है, लेकिन ये शब्द प्रमाण आया कहां से? आंख से देखा मैंने कि नीला रंग है। अब उसको चाहे मैं लिख दूं या बोल दूं, तो जो भी बोली हुई सामग्री है या जो भी लिखी हुई सामग्री है, वो सब का सब प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण का अनुवाद है। इसको समझ लेना, दिल में बैठा लेना। अनुवाद माने क्या हुआ? हाँ, अनुवचन, ट्रांसलेशन नहीं। अब पता नहीं ट्रांसलेशन का अर्थ क्या होगा, लेकिन अनुवाद शब्द का अर्थ देखना, भाषांतर नहीं, अनुवचनम, अनुवदनम। पहले जो प्राप्त है उसी को हमने बोल दिया। तो समूची लिखी हुई और बोली हुई सामग्री प्रमाण नहीं है, बल्कि किसी और प्रमाण का अनुवाद है। ए, यू लैंडेड हियर नाउ। अगर शब्द प्रमाण अनुवाद है, तो अनुमान प्रमाण भी अनुवाद ही है। किसका? प्रत्यक्ष का। इसलिए उसको अनुमान बोलते हैं। वो स्वतंत्र मान नहीं है, क्या है? अनुमान है। प्रत्यक्ष में नित्य साहचर्य देख करके फिर आप बाद में उस पर विचार करके एक निर्णय पर पहुंचते हो, लेकिन अगर प्रत्यक्ष में व्याप्ति न मिले तो अनुमान प्रमाण कभी भी गतिशील नहीं हो सकता। अब कैसी परिस्थिति आ गई कि फिर प्रमाण क्या बचा हमारे हाथ में? है?
केवल प्रत्यक्ष। तो आप में और चारवाक में भेद क्या रहा? इस तरह से थीसिस पूरी हुई, इस तरह से हमारी पीएचडी तो हो गई पूरी, और हमने सारे प्रमाणों को है ना चौपटानंद चौपट करके रख दिया और अपना शौक मिटाया। शोध छात्र हैं, शोध कर रहे हैं। क्या शोध कर रहे हो? सारे प्रमाणों को मटिया मेट कर रहे हैं। जब कभी हमारी चर्चा होती थी प्रयाग में था तब ज्यादा होती थी, रोज ही मिलते थे लोग संध्या काल में, तो उनको फिर आश्चर्य। ऐसा नहीं कि उनमें कोई बौद्धिक बेईमानी हो, ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने पाया नहीं। बड़े श्रद्धालु और अच्छे साधक भी प्रोफेसर लोग हैं, ऐसा भावना रखना कि सबके सब खलनायक ही हैं। लेकिन उनको ये दृष्टिकोण जो परंपरा का दृष्टिकोण है वो प्राप्त नहीं है। विद्यार्थी जीवन में ही उनको कह दिया गया कि श्रद्धा आपको बायस कर देती है। अगर आप में श्रद्धा है तो आप तटस्थ विश्लेषण नहीं कर पाओगे, हैं? तो क्या होगा, आपका जो विजन है वो कहीं ना कहीं कलर्ड हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा। इसलिए तटस्थ रह करके, तटस्थ माने अश्रद्धालु हो करके, तटस्थ की भी परिभाषा तो यही बनी ना। इस तरह से होता है। ये विचार चारवाकों के भी हैं, यही विचार बौद्ध दार्शनिकों के हैं, यही विचार जैन दार्शनिकों के हैं, इसलिए इनको नास्तिक दर्शन बोलते हैं। उन्होंने कहा ये ग्रंथ अच्छे हैं, बुरे थोड़ो हैं, अच्छे लिखे गए हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन हैं ये सब के सब पौरुषे, स्मृति बल से लिखे गए हैं। लिखने वाले बहुत संत लोग थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इतने निराभिमानी थे कि ग्रंथ लिखने के बाद उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा। वाह, कई बार हमारे संत लोग भी, मिशन के संत लोग भी ऐसा बोल देते हैं कि देखो निराभिमानता, ऋषियों में निराभिमानता दिखाने के लिए वो इतने आत्ममग्न लोग थे कि उन्होंने अपना नाम लिखना, वो अपना नाम लिखना भूल गए। अरे वो रचनाकार नहीं है, ये बात आपको प्रतिपादन करना है। आपका मूल प्रतिपाद्य क्या है कि वेद किसी की रचना नहीं है कि कोई अपना नाम लिखेगा कि ये रहा मेरा ही। परंपरा के प्रहरियों का जो प्रतिपाद्य तत्व है पहला, वो तो ये है ना कि ये जो ग्रंथ हैं ये किसी पुरुष की रचना नहीं है, और इसलिए नाम लिखने का क्या प्रश्न है। मंत्र का कोई दृष्टा ऋषि भी है तो हमेशा वो दृष्टा की जगह पर होगा, सृष्टा की जगह पर कभी नहीं हो सकता। ये तो आपको संभालना है। गोस्वामी जी ने लिखा कि जो मानसरोवर है ना, मानस सरोवर, इसकी रखवाली करने वाले भी चाहिए। तो कौन है रखवाली करने वाले? हाँ बोलो भाई। जे एही गांव ही चरित संहारे, इन पंक्तियों को याद रखना चाहिए। जे एही गांव ही चरित संहारे, ते एही ताल चतुर रखवारे।
एई ताल चतुर रखवारे। ये चतुर रखवाले कौन हैं जो इस चरित्र को संभाल करके गाते हैं, जिम्मेदारी से बोलते हैं। महाराज जी बोलते थे जो जिम्मेदार लोग हैं वो प्रवचन करते हैं और कुछ गैर जिम्मेदार लोग प्रवचन करते हैं, कभी ऐसे बोलते थे। तो प्रहरी ये बताने में मान नहीं रखता कि देखो निराभिमान थे, निराभिमान बताने के लिए और कुछ तरीका होना चाहिए। ये कहना है कि वेद अपौरुष है। बोले बट वेद के मंत्र में देखो लिखा है सुश्रुम, आप क्यों ऐसा प्रतिपादन करते हो? वहां लिखा है पूर्वेशाम, पूर्वेशाम तो काल में ही होता है कि नहीं होता है? हैं? पूर्व और पर जो है वो काल में ही होगा ना। फिर उन्होंने लिखा है कि मुझे किसी ने व्याख्या की थी, ये नस्तद व्याज चक्षिरे, फिर आप क्यों जिद करते हो? देखो वो भूलते हैं, भगवान भाष्यकार ने आरंभ में ही कहा कि यह उपदेश की एक योजना है। क्या योजना है? संवाद योजना है। एवं कल्प्यते, ये शब्द आपको याद है, इस प्रकार की एक परिकल्पना है, एक योजना है। क्या योजना है? कि एक मुमुक्षु शरणम अन्यत्र अपश्यन, उसको कहीं और शरण नहीं दिखाई दी, ऐसा एक योजना बनाई गई कि मानो कि एक मुमुक्षु किसी ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में जाता है। अब ये घटना नहीं है, ये उपदेश की एक योजना है। जब जाएगा वो तो प्रश्न करेगा, तो यहां प्रश्न दिख रहा है, फिर उस प्रश्न के उत्तर में फिर उत्तर आया। अब मानो एक संवाद चल रहा है, मानो ये नहीं बोलना, वास्तव में संवाद नहीं चल रहा है, वो हम दिखा देंगे इसी उपनिषद में दिखा देंगे कि वास्तव में संवाद नहीं चल रहा है लेकिन मानो कि संवाद चल रहा है। तो एक प्रश्न है, फिर उसका एक उत्तर है, फिर उत्तर देने वाला ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है मानो कि हमारे भी आचार्य हुए पहले और उन्होंने हमको इस प्रकार से समझाया था। ये एक उपदेश योजना है, ये उपदेश की घटी हुई घटना नहीं है। बस इसको थोड़ा ध्यान में रख करके अब हम भाष्य में प्रवेश करते हैं। अर्थ को पहले आपने ग्रहण कर लिया होगा, बिना भाष्य के भीतर जाए न तत्र चक्षुर्गच्छति, माने प्रत्यक्ष का प्रवेश नहीं, वाग गच्छति लौकिक शब्द का प्रवेश नहीं। लौकिक शब्द क्या हुआ? प्रत्यक्ष का अनुवाद हुआ, है ना। इजराइल के एक सैनिक को फिलिस्तीनियों ने कैद कर रखा है, अब मैं बोलता हूं इससे प्रमा उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? शब्द प्रमाण से ये प्रमा उत्पन्न हुई, लेकिन ये तो अनुवाद है, किसी ने कहीं देखा है, उसने फिर रेडियो में बताया, फिर वो मैंने सुना और फिर मैं वो आपको बोल रहा हूं। तो ये तो अनुवचनम, ये कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, ये इसको बोलते हैं लौकिक शब्द प्रमाण। सो नवागच्छति, नो मनः, अनुमान प्रमाण जाता नहीं। और जैसा मैंने कहा साधना में प्रमाण के क्षेत्र में ये जो उपनिषद का जो वाक्य है ये प्राण पंक्ति है, प्राण वाक्य है,
अन्यदेव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, ये प्रमाण वाक्य है। अच्छा भाई, ये भाष्य पर कहते हैं यस्मात्, पहले ही यस्मात् से शुरू करते हैं भाष्य का। चूंकि यस्मात् माने चूंकि, क्योंकि, दोनों बोल सकते हैं। यस्मात् श्रोत्रादेहे अपि श्रोत्रादि आत्मभूतम् ब्रह्मा, माने दूसरे मंत्र में बात कही गई कि वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, माने श्रोत्र का भी आत्मा है, वो श्रोत्र का भी सार है जिसकी वजह से श्रोत्र श्रवण कर पाता है। चक्षु का भी वो आत्मा है, चक्षु है, चक्षु का चक्षु माने चक्षु का आत्मा है जिसकी वजह से ये चलता है। तो ये वाक्य पहले ले आते हैं भाष्यकार, यस्मात् श्रोत्रादेहे अपि श्रोत्रादि आत्मभूतम् ब्रह्मा। ये ब्रह्म क्या है? बोले सारे करण समुदाय का आत्मा है। आदि पद से क्या बोलेंगे? समुदाय कह लो, सारे करण समुदायों का आत्मा है, उसी का नाम ब्रह्म है। उसी के लिए करण व्यापार करते हैं, उसी के कारण करण व्यापार करते हैं, उसी से सामर्थ्य लेते हैं ये। तो श्रोत्रादेहे अपि श्रोत्रादि आत्मभूतम्, आत्मभूतम् ब्रह्मा। अतः न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुर्गच्छति। अब देखो, पहले ये सीखना है, पहले वाक्य एक सिद्धांत का सामने रखा, फिर उसके ऊपर उपनिषद के सारे वाक्यों को सार्थक कर देंगे। चूंकि करण समुदायों का ब्रह्म जो है वो आत्मा है, इसलिए तस्मात्, यस्मात् पहले बोला, अब बोलते हैं तस्मात्, इसलिए ब्रह्मणि, ब्रह्म में चक्षु का गमन नहीं होता। ब्रह्मणि चक्षुः न गच्छति, क्यों? ये अंडरलाइन करना, स्वात्मनि गमन असंभवात्, ये सिद्धांत है। कोई चीज स्वयं में प्रवेश नहीं कर सकती, किसी की भी गति अपनी आत्मा में नहीं होती। क्रिया का कोई कर्म होता है, कर्तृ कर्म विरोधः, एक सूत्र आता है जिसमें कहते हैं कर्ता ही अपनी क्रिया का कर्म नहीं हो सकता, कर्तृ कर्म विरोध। फिर से बोलो, कर्तृ कर्म विरोधः, हिंदी में क्या बोलेंगे? व्याकरण को थोड़ा याद रखो, कारक प्रकरण पढ़ा गया कि नहीं? बिल्कुल नहीं, कर्ता ने कर्म को, तो कर्तृ कर्म विरोधः, कर्ता ही अपनी ही क्रिया का कर्म नहीं हो सकता। मैं दृष्टांत दे दूं तो और साफ हो जाएगा। ये वाक्य देखो, व्याकरण मीमांसा न्याय पहले उपनिषद पढ़ाने के पहले ना पढ़ाई जाती थी, तब ये वाक्य आसानी से समझ में आते चले जाते थे। तो वो पृष्ठभूमि जरा नहीं होने से दिक्कत होती, फिर भी आप लोगों का भाग्य है, फिर भी तो आप कुछ पढ़ते हो। लेकिन जरा सोचो, जो लोग बिना किसी भी पृष्ठभूमि के सीधे पढ़ते होंगे तो उनका, तो जैसे रामः गृहं गच्छति, बहुत ही सरल वाक्य ले रहा हूँ, तो राम करता है गमन क्रिया का, तो कर्म क्या होगा? गृहम। जरा वाक्य बनाओ, रामः रामम गच्छति, नहीं हो सकता ना?
क्योंकि कर्ता अपनी क्रिया से स्वयं का कर्म नहीं बन सकता। ये स्वात्मनी क्रिया असंभवात भाष्यकार बोलते हैं, अपने आप में क्रिया का होना असंभव है। मानो इस उंगली में खुजली हो रही है, देखो जरा आप, इस उंगली में खुजली हो रही है तो इसी से इसको खुजला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यही कर्ता और यही कर्म कभी नहीं बन सकती, दूसरी से खुजलाएंगे। कभी कभी ऐसा दृष्टांत देते हैं हमारे आचार्य लोग कि एक व्यक्ति थक गया, उसने कहा मैं तुम्हारे कंधे पे बैठूंगा। क्यों भाई? थक गया। तो बोले थक गए तो अपने कंधे पे बैठ लो। अरे बोले मैं ही थका हूं, मैं ही बैठने वाला, मेरा ही कंधा कैसे हो सकता है? ये हाथ यहां का सहारा ले सकता है लेकिन ये हाथ इसी का सहारा नहीं ले सकता। इसको विचार करना कितना बड़ा वाक्य हो जाएगा फिर। ये कोई भी वस्तु अपनी अपने में क्रिया नहीं कर सकती, स्वयं कर्ता और स्वयं अपनी क्रिया का कर्म ये कभी नहीं हो सकता। दीज आर द लॉ बिगर देन न्यूटन लॉ। उन्होंने पदार्थ में नियमों को देखा। आप समझते हो, नियम का निर्माण कोई नहीं करता, नियम तो अपनी जगह पर हैं सो हैं, अनादि हैं। भाष्यकार ने भी उनको देखा है और बाकी लोग भी देखते ही हैं। कोई बनाता नहीं है लेकिन देखने वाले की अपनी महिमा है। उन्होंने कहा एक गुरुत्व आकर्षण है। यहां क्या बताया जा रहा है कि कर्ता का भी एक संविधान है कि कर्ता कभी भी अपनी क्रिया का स्वयं कर्म नहीं हो सकता। ये वाक्य है, ये स्वात्मनी स्वात्मनी गमन असंभवात। इसको ऐसा भी बोलते हैं कहीं कहीं भाष्य में, हम दिखाएंगे, स्वात्मनी क्रिया विरोधात। लिख लो चाहे तो यहां पर स्वात्मनी क्रिया विरोधात। तो अब चक्षु नहीं जाती है, इसका हेतु क्या दिया? श्रुति वाक्य है, श्रुति को पुष्ट करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है श्रुति मतः तर्कोनुसंधीयता। श्रुति का वाक्य एक बार सामने आ गया, हमारी बुद्धि का वैभव यह है कि मैं उसको पुष्ट करूं कि श्रुति ऐसा क्यों कह रही है, कैसे यह संभव हुआ। बोलते हैं चूंकि चक्षु का आत्मा है ब्रह्म, तो चक्षु अपनी ही आत्मा में गमन नहीं कर सकता। जब भी वो गमन करेगा तो बाहर करेगा, चक्षु का कर्म कोई और होगा। चक्षु का कर्म स्वयं चक्षु का आत्मा नहीं हो सकता। ये बोलते हैं चक्षु न तत्र चक्षुर्गच्छति तस्मात् यस्मात् श्रोत्रादेः अपि श्रोत्रादि श्रोत्रादि आत्मभूतं ब्रह्म। अतः इसलिए न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुर गच्छति। इसमें अतः शब्द याद रखना, इसलिए नहीं जा सकती। किस लिए नहीं जा सकती? क्योंकि वो उसका आत्मा है, अपने को ही वो अपना कर्म नहीं बना सकती। ये देखो, नहीं कभी कभी चली जाती होगी। एक बार ये हेतु आपके दिल में बैठ जाए तो फिर आप पक्का कर लोगे कि कभी नहीं हो सकता ये। कभी एक दिन ऐसा आएगा जब प्रत्यक्ष से भी दिख जाए। न तत्र चक्षुर्गच्छति, क्योंकि वो उसका आत्मा है। अब उसी हेतु पर सारे को सार्थक करते हैं, सारे को पुष्ट करते हैं। क्या लिखते हैं? तथा न वाग्गच्छति। तथा माने वैसे ही,
क्योंकि वाणी की भी वो आत्मा है। तो तथा न वाग गच्छति, किसी ने पूछा कि महाराज वाणी भी जाती है क्या, वाणी भी कहीं जाती आती है क्या, तो भाष्यकार समझाते हैं कि वाणी के जाने का मतलब क्या है। देखो, वाचा ही शब्द उच्चार्य माणः अभिधेयम् प्रकाशयति यदा तदा अभिधेयम् प्रति वाग गच्छति इति उच्यते। बोले जब वाणी से शब्द का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण को सुनने वाला जो श्रोता है उसके हृदय में वो अर्थ प्रकाशित हो जाता है। तो वह अर्थ का जो प्रकाशन हुआ मानो वाणी की वहां तक पहुंच हो गई। मैं कहूं पीला गुलाब तो आपके हृदय में प्रकाशन हुआ ना, तो मानो वाणी की गुलाब तक पहुंच है। ये क्या बोलते हैं, अभिधेयम् प्रकाशयति। अभिधेयम् माने, हाँ, अभिधेय माने नामी, जिसका नाम है, नाम वाला, नाम लिया और नाम वाला प्रकाशित हो गया। गुलाब नाम लिया और गुलाब प्रकाशित हो गया। ऐसे पीला, हाँ, तो आपके मन में नीला नहीं आएगा, फिर पीला ही आएगा। ये तो अभिधेयम् प्रकाशयति, शब्द अपने अभिधेय को प्रकाशित करता है यदा तदा वाग गच्छति इति उच्यते। इसी को बोलते हैं वाणी का चलना। सो जैसे नेत्र रूप को प्रकाशित करता है, हाँ, वैसे ही वाणी अपने अपने अभिधेय को प्रकाशित करती है। ये तो प्रकाशन की वाणी में सामर्थ्य है। इसमें बारीकी आपको देखना है, वाग इंद्री वैसे कर्मेंद्रिय, यही पढ़ते हो ना, वाग पाणी पाद पायु उपस्थ, लेकिन यहां काम क्या कर रही है वो प्रकाशन का काम कर रही है। तो फिर कर्मेंद्री क्यों कहा गया इसको प्रकाशन का काम ध्यान रखना, चक्षु इंद्री ज्ञान को ले आती है। किसको, चक्षु वाले के पास। वाग इंद्री प्रकाशित करती है अपने अभिधेय को बोलने के कारण। तो बोलना तो क्रिया है, लेकिन जो प्रकाशन हुआ उसमें इंद्री कौन प्रकट प्रमाण बन रही है, श्रोत्र इंद्री। हाँ, श्रोत्र इंद्री प्रमाण वाग इंद्री नहीं बन रही है। बोलना क्रिया है, देखो प्रमाण को जानना चाहिए। बोलना क्रिया है, फिर उसको ही सुना, सुनने से अर्थ प्रकाशित हुआ। बोले बोलने वाले ने तो बोल के ही जान लिया, नहीं, उसने भी सुना, अपना बोला हुआ ही उसने सुना और उसी से उसको अर्थ प्रकाशित हुआ। ये तो शब्द के विषय में वाग इंद्री कभी प्रमाण नहीं है। शब्द उच्चारण का करण है वो, लेकिन शब्द ग्रहण का करण नहीं है वो। ये प्रकरण क्या है, शब्द ग्रहण का जो करण है वो स्रोत्र ही है। ये इसलिए वाग इंद्री भले ही अभिधेय का प्रकाशन करती हो, लेकिन फिर भी वो कर्म इंद्री है, ज्ञान इंद्री नहीं है। न तत्र वाग गच्छति। अच्छा भाई, तस्य च शब्दस्य, क्योंकि उस शब्द का और उस शब्द को उत्पन्न करने वाली वाणी का आत्मा कौन है, ब्रह्मा। ये देखो क्या लिखते हैं,
तस्य च तस्य च शब्दस्य तन्निर्वर्तकस्य, निवर्तकस्य मत पढ़ लेना, बस वो रेफ में बहुत अंतर हो जाएगा। तस्य च शब्दस्य तन्निर्वर्तकस्य, निर्वर्तकस्य माने उसको सिद्ध करने वाला, उसको उत्पन्न करने वाला, शब्द को उत्पन्न करने वाला कौन है वो? तस्य च निर्वर्तकस्य च करणस्य आत्मा ब्रह्म है, अतः न वाग्गच्छति। माने शब्द की भी आत्मा ब्रह्म है और शब्द को उत्पन्न करने वाला करण जो वाणी है उसका भी आत्मा ब्रह्म है, इसलिए अपनी ही आत्मा में गमन नहीं हो सकता। एक ही हेतु जो पहला वाक्य है वो स्टैंड करता है, उसको बिल्कुल पकड़ के रखना चाहिए। क्या बोलते हैं, अब दृष्टांत दिया इस सिद्धांत को समझाने के लिए, बड़ा ही प्यारा समीचीन दृष्टांत दिया। क्या बोलते हैं, यथा अग्नि दाहकः प्रकाशकश्च अपि सन्न, अग्नि दाहक भी है और प्रकाशक भी है, दो धर्म है उसमें, प्रकाशक है और दाहक है। अग्नि ही दाहकः प्रकाशकश्चापि सन्न, नहीं आत्मानं प्रकाशयति दहति वा दहति च तद्वत्। प्रकाशन क्रिया का कर्म नहीं बनती अग्नि, प्रकाश स्वरूप है, न कि प्रकाशन क्रिया का परिणाम है। आपको पकड़ में आता है, घट जो है वो प्रकाशन क्रिया का कर्म बना, परिणाम बना, अग्नि क्या है, क्रिया नहीं है, क्रिया के बाद प्रकाशन हुआ सो नहीं, वह तो स्वयं प्रकाश रूप है। ये भेद जरा समझना, अग्नि प्रकाश रूप है, प्रकाश क्रिया का परिणाम नहीं है, जबकि घट चूंकि प्रकाश रूप नहीं है इसलिए वो कब दिखेगा, जब प्रकाशन उसका होवेगा, किसके द्वारा, अग्नि के द्वारा। तो अग्नि स्वयं को प्रकाशित नहीं करती, ये तो हमारा सिद्धांत है। अगर हम उसको ये मान लें कि अग्नि स्वयं को प्रकाशित करती है तो वहां द्वैत मानना पड़ेगा, किसका, कि अग्नि एक है प्रकाशक, दूसरी हो रही है क्रिया, और तीसरी है प्रकाश्य अग्नि। लो ये मानना पड़ेगा, प्रकाशक और प्रकाश्य का भेद मानना पड़ेगा, और वहां पर प्रकाशन नाम की क्रिया भी माननी पड़ेगी। ये बौद्ध दर्शन है आत्मा के विषय में। उन्होंने कहा कि जो विज्ञान है, क्षणिक विज्ञान, चेतना, वो प्रकाशक है और प्रकाश्य भी है। विज्ञान में अर्धांश में प्रकाशक है, अर्धांश में प्रकाश्य है, इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं, अर्धांश में ज्ञातृत्व है, अर्धांश में ज्ञेयत्व है। एक ही विज्ञान के दो अंश हैं। आपको अंदाजा होगा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये वृत्ति विज्ञान के बारे में बात करते हैं। तो वृत्ति ऐसी चीज है जो बिना ज्ञेय के होती नहीं, निर्विषय वृत्ति नहीं होती। तो वृत्ति में ज्ञेय भी है और वृत्ति में अहम वृत्ति ज्ञाता बनी बैठी है। तो रमण महर्षि ने कहा इदम अहम, एक ही वृत्ति के दो अंश हैं, दो अंश हैं,
दो हिस्से हैं, एक इदमंश है और एक अहमंश है। अहमंश में ज्ञातृत्व है, इदमंश में ज्ञेयत्व है, तब जाके एक वृत्ति बनती है। बौद्ध दार्शनिकों ने इसको परमार्थ समझ लिया। ये हमारे जय कृष्णमूर्ति जी भी बोलते हैं, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व आर द सेम सेम। ओ तो ठीक है, विज्ञान ही वृत्ति है, विषय है, और विज्ञान ही विषयी है। ये तो जिन लोगों ने बौद्ध दर्शन पढ़ा है उनको कभी नहीं लगता कि जय कृष्णमूर्ति कोई नई बात कह रहे हैं। लेकिन समस्या है ना कि हम लोग दर्शन तो थोड़ा पढ़ते हैं, तो फिर एक नया दार्शनिक पैदा हो गया। नया दार्शनिक किधर से पैदा होगा? हिंदुस्तान में नव दर्शन में सारे विचारों को समेट रखा हुआ है, नया दार्शनिक कहां से पैदा होगा? विज्ञान में ही विषय है, विज्ञान में ही विषयी है, ऑब्जर्वर भी है और ऑब्जर्व भी है, दोनों को मिला के ही विज्ञान बोलते हैं। ये तो वृत्ति की कहानी है, ये चेतन की कहानी थोड़ो है। ऐसा है तो भाष्यकार कहते हैं, भाई अग्नि में प्रकाश प्रकाशक भेद नहीं है, वो प्रकाश रूप है। दाहक दाह्य भेद नहीं है, वो तो दाहक स्वरूप है। देखो क्या बोलते हैं, यथा अग्नि ही दाहकः प्रकाशकश्चापि सन्न नहि आत्मानं प्रकाशयति दहति च तद्वत्। बोले अग्नि ने अग्नि को जला दिया, लो अग्नि ने अग्नि को जला दिया। अग्नि की दहन क्रिया का कर्म लकड़ी हो सकती है, अग्नि की दहन क्रिया का कर्म अग्नि स्वयं कभी नहीं हो सकती। सिद्धांत है स्वात्मनि क्रिया विरोधात्। कोई भी वस्तु की क्रिया स्वयं में नहीं हो सकती, ये दृष्टांत ऐसा दिया। तो चक्षु अपनी आत्मा में गमन नहीं कर सकता, वाणी अपनी आत्मा में गमन नहीं कर सकता, और मन भी अपनी आत्मा में गमन नहीं कर सकता। वाओ, बोलते हैं नो मनः मनश्च, ये मन क्या करता है, अन्यस्य संकल्प इत्री, दूसरे का संकल्प करने वाला है, अध्यवसायित्री च, और दूसरे के बारे में निश्चय कर सकता है। मनश्च अन्यस्य संकल्प इत्री अध्यवसायित्री च सदात्मानं न संकल्पयति। जो सदवस्तु है, सद आत्मा है, उसका न वो संकल्प कर सकता है, न उसके बारे में निश्चय कर सकता है। अध्यवस्यति च तस्यापि ब्रह्म आत्मा इति, क्योंकि उसका भी जो आत्मा है वो ब्रह्म ही है, मन का भी आत्मा ब्रह्म ही है। इससे क्या सिद्ध हुआ, इति इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तुनो विज्ञानम। बोले दुनिया में तो जो भी दुनिया में ज्ञान है किसी के पास भी, वो दो ही करणों से आता है, इंद्रिय मनोभ्याम, इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा। तो तद अगोचरत्वात्, चूंकि जो आत्मदेव हैं वो इन दोनों से अलग हो गए, इनका कर्म बनते ही नहीं, इनकी वहां पर गति नहीं है। गोचर माने पहुंचना जाना, अगोचरत्वात् यहां की यहां पर उनकी गति ही नहीं है, तो नविन्वा। इसलिए मुझे ये कहना चाहिए ईमानदारी से कि मुझे उस आत्मा के बारे में वैसा ज्ञान नहीं है
जैसा कि इंद्रियों से होता है और मन से होता है। और चूंकि मुझे ज्ञान ही नहीं है इसलिए बोलते हैं न विद्मः तद् ब्रह्म ईदृशम्। मैं नहीं जानता ब्रह्म को, कैसे नहीं जानते, अज्ञानी हो, गुरु अज्ञानी है तो गुरु कैसा। क्या बोलते हैं न विद्मः माने ब्रह्म ईदृशम इति, ये ब्रह्म ऐसा है जैसा कि इंद्रिय के बारे में हम बोल देते हैं अथवा मन से जानी हुई चीज के बारे में बोल देते हैं। ईदृशम ऐसा है, इस तरह की बात ब्रह्म के बारे में मैं नहीं जानता और इसीलिए इति अतः न विजानी महा, मैं जानता भी नहीं क्या। यथा येन प्रकारेण एतद् ब्रह्म अनुशिष्यात् उपदिश्येत शिष्याय इति अभिप्राय। शिष्य को कैसे इसका उपदेश किया जाए ये मैं नहीं जानता। क्यों भाई, अब इसको भगवान पुष्ट करते हैं भाष्यकार। क्या बोलते हैं, यदि ही करण गोचरम, जो करण से जाना हुआ ज्ञान है, तद अन्यस्मै उपदेष्टुम। यहां क्या लिखा है, हाँ पूरा बोलो, अन्यस्मा उपदेष्टुम। हाँ कौन सी संधि करेगा, अन्यस्मा उपदेष्टुम। मिथिलेश बोलो जरा, कौन सी संधि है। अब अगर मैं पढ़ूं ना अन्यस्मयी, मान लो मैं पढ़ूं या कोई और पढ़े और आपको संधि का ज्ञान हो नहीं, वो आप बोलोगे ये भूल गए पढ़ना। मान लो आपके सहपाठी ही पढ़ के सुनाए और उन्होंने पढ़ दिया अन्यस्मयी, तो बोले रे स्वामी जी भूल गए लगता है, मैं सुधार देता हूँ फिर। माने तो ये संधिक ज्ञान होना चाहिए। बोलो भाई संजय महात्मा, कौन सी संधि होगी। अब मैं एक एक का नाम लो तो गड़बड़ हो जाएगी। एक उधर से पूछा मैंने, एक इधर से पूछा। एचो यवा याव गुण नहीं, एचो यवा याव आई है ना, आई तस्मै अन्यस्मै, आई और आगे क्या है ऊ, तो क्या बनेगा आयु, ये शब्द बनेगा। पकड़ में आया, य आदेश हुआ, आय आदेश हुआ ना, एच हाँ, एच का अय आव ये सब बनता है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ एच है भाई, गुण कहाँ होता है, आद गुण है, एच में गुण नहीं होता। तुम कैसे बोलते हो, तुम्हें अभ्यास करना चाहिए। तो एच है ए आई, उसके आगे जब होगा तो अय आय बनेगा, यहाँ क्या है आई है, लिखो कहीं कॉपी पर तो हम पकड़ में आएगा, आई प्लस ऊ, थोड़ा सीखना भी चाहिए, आई आई प्लस ऊ, तो आई का आदेश क्या हुआ आए, आई के नीचे लिखो आए, इसमें यकार का लोप हुआ, ठीक है। तो आ किस में जाके मिला, अन्यस्मा बना, फिर मो में जाकर के आ मिल जाएगा, तो अन्यस्मा और य का लोप हुआ तो उधर क्या बचा उपदेष्टु। तो यहां संधि है, य का यहां पर लोप है, ध्यान रखना लोप, य का अभाव नहीं है, य का लोप है। लोप की परिभाषा क्या है,
अदर्शनम लोपः, माने भले दिखता ना हो लेकिन वहाँ पर यह विद्यमान है, और इसलिए अन्यस्मा उपदेश करने संधि अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, अन्यस्मोपदेशेन, अगर वहाँ यह विद्यमान नहीं होता तो आ और उ मिल करके वो होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, हैं? क्योंकि यह वहाँ पर विद्यमान है, भले ही उसका लोप हो लेकिन वहाँ पर वो विद्यमान है। ये सरल सरल सी बातें हैं, इतनी कठिन तो नहीं है। नहीं समझने पर हर चीज़ कठिन है। अच्छा, नियम उल्टा भी है, समझ लेने पर सब सरल लगता है। तो आप कह सकते हो कि आप ऐसे सरल बोलते रहते हो, लेकिन जानना चाहिए आपको। अगर स्वयं पढ़ना हो, बोले अन्यास्मा, मैंने तो ये शब्द कहीं पढ़ा ही नहीं, विभक्ति पूरी याद कर ली। अच्छा, एक चीज और पूछ के फिर पूरा करता हूं, ये अन्यास्मा किस शब्द का रूप है? मानव शब्द क्या है, प्रातिपदिक क्या है इसकी? सुधीर दास बोलोगे पीछे वालों से पूछते ही नहीं, हैं? जोर से बोलिए, संकोच क्यों हो रहा है, गलत हो जाएगा और क्या होगा। अन्य शब्द है रामा की तरह, अन्यत, सॉरी, अन्यत शब्द है, उसका बनेगा अन्यस्मई, अन्यस्मा, अन्यत शब्द है, तकारांत हलंत। मुझे बना के दिखाना आज, मानव महात्मा, ठीक है? विद्या अध्ययन में शब्द से प्यार करना है, वो कैसे बना, क्यों बना, ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ये हमारा व्यसन होना चाहिए। आदत पड़ जाए तो बात बन जाएगी। तो अब क्या बोलते हैं, देखो इसको पूरा करते हैं, बोलते हैं यदि ही करण गोचरम तद अन्यस्मा उपदेष्टुम शक्यम, जो करणों से प्राप्त ज्ञान है उस ज्ञान को दूसरे को उपदेश दिया जा सकता है, लेकिन जो ज्ञान करण से प्राप्त ही नहीं हुआ उसका उपदेश दूसरे को कैसे दें, क्योंकि उपदेश देते समय हम वस्तु का बोध कराते हैं। वस्तु का बोध किसका आलंबन लेके करते हैं? बोले जाति, चार चीज का नाम लिया, आप पांचवी चीज भी बोलते हो, नाम। तो नाम को भाष्यकार ने नहीं लिखा, यहां पर अंडरलाइन कर लेना, ये चार आलंबनों से बोध कराया जाता है। एक है जाति, दूसरी है गुण, तीसरा क्रिया विशेषण, ठीक है? जाति गुण क्रिया विशेषण ही, आनंद गिरिजी महाराज कैसा लिखते हैं इसको देख लें। दूसरी पंक्ति में ब्राह्मणोयम इत्यादि जातितः, बोले ये ब्राह्मण हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये पशु हैं, ये मनुष्य हैं, ये जातितः ब्राह्मणोयम इति इत्यादि जातितः, कृष्णोयम इत्यादि गुणतः, बोले काला है, गोरा है, सांवला है, गुणतः। फिर क्या बोलते हैं, पाचकोयम इत्यादि क्रियातः, बोले पाचक हैं, ये क्रिया के रूप में बोध करा दिया गया, पाचक माने भोजन पचाने वाले। फिर बोलते हैं राजपुरुष इति संबंध विशेषण,
संबंध के द्वारा कि ये राजा के व्यक्ति हैं, राज कर्मचारी हैं। तो इन्हीं आलंबनों को लेकर के हम किसी विषय का बोध कराते हैं, जाति क्रिया गुण और विशेषण, इन्हीं आलंबनों का विशेष ग्रहण करके बोध कराते हैं। ब्रह्म तो न जात्यादिमत, ब्रह्म में न जाति है, हाँ, न गुण है, न क्रिया है, न विशेषण संबंध विशेषण है, क्योंकि केवलो निर्गुणस्य इत्यादि श्रुते है, श्रुति ने कहा ब्रह्म तो केवल निर्गुण है। ऐसी स्थिति में न विजानीमः कथम एतद अनुशिष्यात्, मुझे पता नहीं चलता है कि कैसे मैं ब्रह्म का बोध कराऊं, आपको आदत पड़ी है विशेषणों के द्वारा जानने की, आपको आदत पड़ी है क्रिया के द्वारा जानने की, संबंध के द्वारा जानने की, और ब्रह्म में ये सब है नहीं, तो बिना इनका आलंबन लिए कैसे मैं आपको बोध कराऊं, ये मैं नहीं जानता। तो बोले फिर ऐसे तो अब अगली कक्षा में हम इसको और खोलेंगे, लेकिन हम आगे चलते हैं। हम बोले ऐसे तो फिर अत्यंत अशक्यता प्राप्त हो गई, ये वाक्य देख लेना। बोले अत्यंतम एव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ते, मिला तो उपदेश प्रकार का एक तरह से पूरी तरह से निषेध हो गया। फिर तो प्रत्याख्याने प्राप्ते सति, माने उपदेश प्रक्रिया संभव ही नहीं है, आप तो ऐसा बता रहे हो। तो बोले नहीं, उपदेश प्रक्रिया संभव है, प्रत्यक्षादि प्रमाण से भले ही न मालूम पड़े, लेकिन आगमेन तु शक्यते एव प्रत्यायितुम, आगम से निश्चित रूप से उसको बोध कराया जा सकता है। और फिर आगे चलें जरा एक वाक्य दो अगले पेज पर जाएं। नारायण क्या बोलते हैं, और अगले पेज पे जाएंगे। नीचे से पांचवी पंक्ति देखें, ब्रह्मच, मिला ब्रह्मच एवं आचार्योपदेश परंपरया एव अधिगंतव्यम न तर्कतः। जब वो कहते हैं कि मैंने ऐसा अपने आचार्यों से सुना है और इसी प्रकार से मुझे उन्होंने बोध कराया था, तो ये इतिहास बताने के लिए वाक्य नहीं लिखा गया है। क्या बताने के लिए लिखा गया, कि यह बोध परंपरा से प्राप्त होता है, तर्क से प्राप्त नहीं होता। परंपरा से प्राप्त होता है यह दिखाने के लिए श्रुति माता पूर्वे शाम शब्द का प्रयोग कर रही हैं, न कि ये बताने के लिए कि पहले इनके आचार्य हो चुके हैं। पकड़ में आया, भाष्यकार ने अपनी लेखनी से इतिहास तत्व को निर्मूल किया, यहां अभिप्राय बताया, पूर्वे शाम आचार्या, इसका अभिप्राय ये है। क्या बोलते हैं, फिर से पढ़ देता हूं, ब्रह्मच एवं आचार्योपदेश परंपरया एव अधिगंतव्यम न तर्कतः प्रवचन मेधा बहुश्रुत तप तपो यज्ञादिभ्यश्चैति एवं सुश्रुम। इस प्रकार से इस वाक्य का अर्थ लेना चाहिए। कौन से वाक्य का, सुश्रुम श्रुतवंतो वयम पूर्वेशाम आचार्याणाम वचनम। ये सुश्रुम और अपने आचार्यों का मैंने ऐसा वचन सुना है, ऐसा कहने के पीछे अभिप्राय केवल इतना है कि ब्रह्म विद्या
गुरु परंपरा से ही प्राप्त होती है। परंपरा में साधनता है और तर्क में, मेधा में, बहुश्रुत में, प्रवचन में, तप में, यज्ञ में साधनता नहीं है, ये बताने के लिए ये वाक्य है। हमने क्या खोज डाला? हिस्ट्री। भाष्यकार क्या खोजते हैं कि साधनता कहाँ है और कहाँ नहीं है। ये अब हम अगली कक्षा में जाएंगे, इसको मीमांसा करना, मनन करना। ओम। थोड़ा सा कार्यक्रम बदला है, आपको बताया तुमने, विद्यार्थी लोगों को नहीं बताया। तो 11 बजे से तो आप लोग यहाँ समवेत होंगे, 5 मिनट पहले आप लोगों को आना चाहिए। आप लोग हमारे आने के बाद आते हो ये बिल्कुल मर्यादा विरुद्ध है। आप लोग 7:15 बजे के लगभग टारगेट रखो आने का हॉल में। तो बहुत असभ्य सा लगता है कि कोई बाद में आता है, अच्छा नहीं है। अच्छा, तो 11 बजे आप लोग पधारो, 11 से 12:15 12:30 बजे तक तो रामायण की कक्षा होगी, ठीक है। और फिर 4:30 से 5:30 मैक्सिमम 5:45 तक उपनिषद की दूसरी कक्षा होगी। तो तिवारी जी किधर गए? इदानीम तुम प्रसन्नोसी? नहीं, उनको ढकने दो, उनको दूसरा ढक रहा है, क्या करें, ये भी आच्छादन परंपरा चल रही है। नहीं, वो ठीक है। तो मेरा ये कहना है, अच्छा 4:30 से 5:45 तक दूसरी कक्षा हो जाएगी, रामायण हो गई, और फिर संध्या काल में 8:30 बजे आपका भोजन हो जाएगा। तो सत्संग वाला पीरियड नहीं होगा। फिर क्या होगा, भोजन के बाद 9 बजे से आपका प्रवचन होगा 9:30 बजे तक। उसमें नेचुरली हमारे दूसरे श्रोता नहीं आएंगे तो अच्छा ही है, लेकिन मैं आऊँगा। तो 9 से 9:30 बजे तक आप मुझे पाएंगे कि मैं एक अच्छा श्रोता हूँ। बाद में टिप्पणी भी करूँगा, ध्यान रखना। तो आज से ये कार्यक्रम होगा। प्रवचन करने वाले 2 सूरमा हैं आज। तो वो 9 बजे यहाँ बैठेंगे और 9:30 बजे सारे सेशन पूरे होंगे। तो इस तरह का कार्यक्रम है। तो बीच में ऐसा सोचते सोचते मुझे यही समझ में आया कि दिस इज द रूटीन, कैन बेनिफिट यू मोर। कक्षाएं सारी हो जाएंगी और आरती के बाद आप थोड़ा कोई संध्या, वंदन, टहलना, ये सब के लिए आपके पास एक मुक्त समय होगा। वो भी जरूरी है, नहीं तो एक पर एक रहता है तो फिर वो कई चीज़ें छूटती होंगी। कई लोग तो समय पाने पर भी शायद नहीं करेंगे। भाई तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तो हम ये तो नहीं माने इतनी आशा करें, लेकिन यस देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि ज़्यादा लोग फिर टहलने जाएं, थोड़ा कोई व्यायाम करें, थोड़ी संध्या करें, पूजा करें, ध्यान करें। 7 से 8:30 तक का समय आपको 7:45 से बल 6:30 से कहिए 6:30 7:45 से 8:30 तक का समय इकट्ठे आपको मिलता है। सो यू गो अहेड विद इट, आप इसका लाभ लो। तो ये रूटीन होगी आज से। कल से मैं करना चाहता था लेकिन कल वो स्रोत्र से स्रोत्रम ऐसा फंसा महाराज
कि मुझे लगा कि अगली ही कक्षा में इसको पूरा न किया जाए तो वो सही बात नहीं होगी, तो वो हो गया। तो आज 11 बजे हम लोग मिलेंगे रामायण लेकर के, और मैं पूजा उजा में देर हो तो जो आप भजन गाते हो ना शाम को, तो 11 से 11:15 तक अगर मैं आ जाऊं तब ना चालू रखना लेकिन जब तक मैं ना आया हूं तब तक आप गा सकते हो गाने वालों का क्रम निश्चित कर लेना, नहीं तो पता चला एक ही आदमी रोज गा रहा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, कई लोग वहाँ गाने में बड़े शौकीन होते हैं, उनको खुद मालूम नहीं होता कि दूसरे लोग झेल रहे हैं आपने भागवत सप्ताह में देखा होगा मैंने भी देखा कैंप में, गुरुदेव के कैंप में, गुरुजी के कैंप में, दूसरा आदमी अभी समाप्त भी नहीं किया हुआ है तब तक दूसरा ना शुरू कर दे, इसलिए पीछे से एक शुरू हो जाता है। मैं सोचता हूँ देखो कितना लगन है। तो एवं भविष्यति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।